नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, वेटनरी साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप बीबीएस इन एज में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अपडेट है। तो ये जो अपडेट है, क्या है अपडेट, इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल, इस पर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेटनरी में एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको मिलता रहे। मेरे पिछले वीडियोज आप देखेंगे तो आपको मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे इसमें इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ वेटनरी साइंस में एडमिशन के रिगार्डिंग, और सारे अपडेट्स मैं लगातार देता रहूँ, आगे भी देता रहूँगा। जब तक काउंसलिंग का लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का चल रहा है तब तक आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, क्या है अपडेट जान लेते हैं। तो ये जो अपडेट है बच्चों, वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है वेटनरी साइंस की, वो है नानाजी देशमुख वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, दैट इज नदवासु, ठीक है। तो नदवासु जबलपुर जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से ये अपडेट है। और इसमें जो बीबीएस इन एज कोर्स है और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस कोर्स है उसके लिए अपडेट है। तो नदवासु ने अपने एनआरआई सीट्स के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एनआरआई है, ठीक है, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन से या फिर ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ना, जिनके पास फॉरेन का पासपोर्ट है, फॉरेन कंट्री का पासवर्ड है, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। उनको क्या करना है, वो लोग अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अप टू 30 अगस्त, ठीक है, लास्ट डेट है 30 अगस्त। अब बच्चे पूछेंगे कि सर हम लोग एलिजिबल नहीं है क्या? देखो, डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है, आपको एनआरआई होना जरूरी है, है ना। इसमें जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं, मतलब कि पार्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपका जो डोमिसाइल कभी या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए मध्य प्रदेश के, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एनआरआई का जो पासपोर्ट होता है या फिर दूसरी कंट्री का जो फॉरेन नेशनल का जो पासपोर्ट होता है वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये अपडेट है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीबीएससी एंड एज कोर्स नदवासु में, ठीक है, इसमें तीन कॉलेजेस हैं, आपको बता दूँ, तीन कॉलेज में जबलपुर में कॉलेज है, मऊ में कॉलेज है और रीवा में कॉलेज है, तीन जगह कॉलेज है। तीनों में कितनी कितनी सीटें हैं, तो टोटल 5-5 सीटें हैं तीनों कॉलेज में, यानी कि टोटल 15 सीट्स पर ही एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए गए हैं और लास्ट डेट 30 अगस्त है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, इसमें आपको पास एनआरआई तो आपके पास होना ही चाहिए, यानी कि आप नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, फॉरेन का पासपोर्ट होना चाहिए, फॉरेन नेशनल से आप बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके जो एडमिशन होगा वो 12th के बेसिस पर होगा, आपकी जो 12th होनी चाहिए वो आईसीएसई बोर्ड से हो सकता है या फिर और कोई भी जो सिमिलर या इक्वल जो जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है उसके थ्रू आपने 12th क्लास पास की भी होनी चाहिए। और उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट बताए गए हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से आपने पास की भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें नीट की कोई भी अनिवार्यता नहीं है, नीट दो या मत दो आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि बिना नीट के यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। इसमें नीट की कंपलसरी, नीट कंपलसरी नहीं है इसमें एडमिशन के लिए, ठीक है। आपका जो एडमिशन होगा वो प्योरली जो है 12th बेसिस पर होगा, 12th क्लास की मेरिट के बेसिस पर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है, आपको ऑफलाइन मोड में ही फिल करना है। इसके लिए आप इनकी जब वेबसाइट पर, जो कि आपको वेबसाइट यहाँ पर वीडियो में दिख रही होगी, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो एडमिशन वाले पोर्टल में जाकर के आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको फिल करके विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो फीस प्रिस्क्राइब, मैं आपको बता दूँ कितनी फीस है, तो यहाँ पर टोटल आपको $150 की फीस आपको पे करनी होती है, ठीक है। वो पे करने के बाद उसका जो फीस पेमेंट का जो प्रूफ है वो आपको साथ में लगाना होता है, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है विथ सेल्फ ओरिजिनली सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज के साथ में आपको ईमेल के थ्रू, जो ईमेल आईडी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ईमेल के थ्रू आपको मेल करना है, और दूसरा आपको बाय पोस्ट भी भेजना है। तो दो चीज़ें करनी है, आपको मेल के थ्रू भी भेजना है, साथ ही हार्ड कॉपी, मतलब कि जो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो आपको थ्रू पोस्ट भी आपको भेजनी है, और ये 30 अगस्त से पहले पहले उनके पास पहुंच जानी चाहिए। लास्ट डेट है 30 अगस्त, तब तक पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद अगर पहुंचेगी तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए अपडेट है। और इसकी जो फीस वगैरह है तो मैं आपको बता दूँ, सीट मैंने आपको बताई दी है, तीनों कॉलेज में 5-5 सीटों पे हो रही है, 15 सीटें हैं टोटल। और इसकी जो फीस है बच्चों वो 7,200 रुपीज़ तो आपकी एनआरआई फीस है, प्लस इसके अलावा जो कॉलेज की जो नॉर्मल फीस होती है 33,000 फर्स्ट ईयर में, वो आपको समथिंग जो है एडिशनल देनी होती है। तो लगभग आपका ये 6 लाख तक का बजट आपका पड़ेगा पर ईयर। तो ये आप एक बार देख करके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 30 अगस्त तक जरूर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेज दें। ये अपडेट था मध्य प्रदेश से। इसी तरह के स्टेट कोटा के अपडेट जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें,
ठीक है। ऑल इंडिया वीसीए काउंसलिंग के भी सभी अपडेट्स इसी चैनल पर आपको मैं देता रहूँ, ठीक है। और कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियोज आपके आते रहेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं पर्सनली आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, तो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको गूगल फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, उसे आप फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपको जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।